जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्पर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अपन पढ़ेंगे पांडे वेचन शर्मा उग्र जी को आज। तो पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का जन्म कब हुआ है ये आप सभी के लिए बताना है। 1891 में, 1897 में, 1899 में या 1900 में, ये आप सभी के लिए बताना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र का जन्म बताना है कब हुआ है। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लवली जी, अर्चना जी, कैलाश जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा। 1900 ईस्वी आप सभी का सही आंसर है। 1900 ईस्वी जिन्होंने भी चयन किया है, पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का जीवन परिचय 1900 ईस्वी उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पांडे वेचन शर्मा उग्र जो जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म बेनीपुर गांव में, मुजफ्फरपुर में, बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में, भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कोसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में या फिर चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सुनैना जी, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। पांडे वेचन शर्मा उग्र का जन्म कहाँ हुआ है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर चार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी के लिए तीन है। क्वेश्चन नंबर तीन, पांडे वेचन शर्मा उग्र जेल में रहते हुए किस नाम से कविताएं लिखते थे ये बताना है। ये आदम, अष्टाचक्र, कलाधर या उग्र नाम से बताई गया। प्रेमलता जी क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर आपको बताना है कि पांडे वेचन शर्मा उग्र जेल में रहते हुए किस नाम से कविताएं लिखते थे, तो आप सभी का सही आंसर है अष्टाचक्र। यहाँ पर सही आंसर होगा अष्टाचक्र, यानी कि विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है अष्टाचक्र उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर दिया गया है, किन कहानियों के कारण पांडे वेचन शर्मा उग्र को जेल जाना पड़ा था। वह कहानियां कौन सी थी वह आप सभी के लिए चयन करना है। निहालिस्ट खुदाराम, रुपया बुढ़ापा, उसकी माँ और रुपया या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए रुचि जी, निशा जी क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए। क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार यहाँ पर सॉरी, और आप सभी का सही आंसर है रुपया और बुढ़ापा। रुपया और बुढ़ापा जो मतलब इनकी कहानियां हैं जिसके कारण इनको उग्र जी को जेल जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांच यहाँ पर दिया गया है, पांडे वेचन शर्मा उग्र की कौन सी कहानी प्रथम राजनीतिक कहानी मानी जाती है। प्रथम राजनीतिक कहानी इनकी मानी जाती है दिल्ली की बात, काल कोठरी, उसकी माँ या फिर निहालिस्ट। पांच में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। पांच में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है अमित जी और हजारी लाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यानी कि उसकी माँ। उसकी माँ आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। वह उपन्यास आप सभी के लिए चयन करना है जो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। सरकार तुम्हारी आंखों में, फागुन के दिन चार, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत। बताइएगा राजीव जी, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर छह में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो छह में आप सभी का सही आंसर होगा चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत आप सभी का विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है कि पांडे वेचन शर्मा उग्र का प्रथम उपन्यास है, इनका प्रथम उपन्यास घंटा है, शराबी है, जीजा जी या फिर मनुष्यानंद।
प्रथम उपन्यास आप सभी के लिए चयन करना है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का, कौन सा माना जाता है सभी लोग बताइएगा और एक बार शेयर कर दें वीडियो को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर लाए जाते हैं इस क्लास में और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र का प्रथम उपन्यास माना जाता है घंटा, विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आठवां क्वेश्चन है, चॉकलेट रचना की विधा क्या है, किस विधा की रचना मानी जाती है चॉकलेट। उपन्यास है, नाटक है, कहानी संग्रह है, निबंध है। आठवें आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, आठवें आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चॉकलेट रचना की विधा बताना है किस विधा की रचना मानी जाती है, उपन्यास, नाटक, कहानी संग्रह, निबंध। तो अमित जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि उपन्यास नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा सही आंसर, ये तो कहानी संग्रह माना जाता है चॉकलेट, क्या है कहानी संग्रह माना जाता है, सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा कौन सी है, अपनी खबर, सिंहावलोकन, मेरा जीवन प्रवाह या फिर मेरा अतीत, बताइएगा चयन करिएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा चयन करना है कौन सी मानी जाती है। रीमा जी आप सभी का, रमेश जी सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, अपनी खबर, अपन ने याद किया था ना कि अपनी खबर सुनकर लोग उग्र हो जाते हैं, अपनी खबर सुनकर लोग उग्र हो जाते हैं, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा मानी जाती है कौन सी, अपनी खबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र का खंड काव्य बताना है कौन सा माना जाता है, ध्रुव धारण है, शराबी है, जीजा जी या फिर मनुष्यानंद, बताइएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का खंड काव्य बताना है तो कौन सा माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर प्रमोद जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुलदीप जी, ध्रुव धारण, ध्रुव धारण आपका ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का खंड काव्य बताना है, ध्रुव धारण आपका सही आंसर होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, वह कहानी संग्रह आप सभी के लिए चयन करना है कौन सा वह कहानी संग्रह है बताइए, चयन करिएगा दोजक की आग, चॉकलेट, चिंगारियां या फिर लज्जा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है और 11 में आप सभी का कमला जी और कल्पना जी क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी सही आंसर है चिंगारियां, चिंगारियां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चिंगारियां सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ को किस आलोचक ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है, नंद दुलारी वाजपेयी ने या फिर नामवर सेन ने, नंद दुलारी डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर रामकुमार वर्मा ने, बताइए क्या होगा सही आंसर चयन करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया मेधा जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ को किस आलोचक ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है, तो आप सभी का सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी ने, नंद दुलारी वाजपेयी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है, चंद हसीनों की करतूत, दिल्ली का दलाल और घंटा, ये उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम 13 में चयन करिएगा, 13 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर।
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर, घंटा, चंदन सिन्हा की खतूत और दिल्ली का दलाल, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है, बताइए क्या होगा सही आंसर? धाकड़ जी, रीमा जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह दिए गए हैं, ये बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है 14वां क्वेश्चन और आप सभी का सही आंसर है, सबसे पहले यहाँ पर चॉकलेट आएगा, चॉकलेट के बाद शैतान मंडली, शैतान मंडली के बाद चिंगारियां, चिंगारियां के बाद नरलज्जा। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 15वां क्वेश्चन है राजीव जी, दो जख की आग कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, बताइए। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? दो जख की आग कहानी संग्रह किनका माना जाता, सॉरी कहानी संग्रह का प्रकाशन बताना है, ये तो उग्र जी का माना जाता है, 1923, 1926, 1929, 1922। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है, 1929 आप सभी का सही आंसर होगा, 1929 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, 1943 है, 1946 है, 1929 है, 1922 है। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 16वां क्वेश्चन है, पंजाब की महारानी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताना है और आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर आ रहा है, 1943। विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1943 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का कौन सा, 17वां क्वेश्चन है, घंटा जो उपन्यास है इसका प्रकाशन क्या माना जाता है, प्रकाशन आप सभी के लिए चयन करना है, सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आप सभी का यहाँ पर ये वाला सही आंसर है, 1924 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1924 में आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास का प्रकाशन बताइएगा क्या माना जाता है, चयन करिएगा, चंद हसीनों के खतूत उपन्यास का प्रकाशन क्या माना जाता है, 1923, 1934 है या फिर 1941 है, 1927 है, क्या होगा सही आंसर? चंद हसीनों के खतूत उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1927 होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शराबी उपन्यास का प्रकाशन बताइएगा, शराबी उपन्यास का प्रकाशन बताना है, बताइए राजन जी, बिल्कुल, शराबी उपन्यास का प्रकाशन क्या माना जाता है, 1923 है, 1930 है, 1941 है या 1927 है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, 1930 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 1930 आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का निधन कब हुआ है, इनका निधन आप सभी के लिए बताना है, 1963 में, 1960 में, 1971 में, 1967 में।
चार विकल्प दिए गए हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पांडे विचन शर्मा उग्र का निधन, आप सभी के लिए चयन करना है रुचि यादव जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है अनीता जी। तो विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी यानी कि 1967 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 1967 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर चार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पांडे वेचन शर्मा उग्र जी के जीवन परिचय से संबंधित। यहाँ पर अब दिए गए कुछ क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन से संबंधित। तो चलिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म आप सभी के लिए बताना है कब हुआ था। बिल्कुल चंद्रबान जी बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया बिंदु जी एक, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी का सही आंसर 1891, 1897, 1899 या 1900। चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही आंसर होगा 1900 ईस्वी, आप सभी का सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार में, बयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कोसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में, चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बताइएगा, चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है कुलदीप सिंह जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर दो में आप सभी लोग चयन करिएगा लाइक, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का दो, पंत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कोसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत जी का वास्तविक नाम क्या था, देवदत्त, प्यारीलाल, गोसाई दत्त या फिर वैद्यनाथ। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सुमित्रा नंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम बताना है। बताइएगा, चयन करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया राजीव जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है इनका वास्तविक नाम था गोसाई दत्त। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गोसाई दत्त आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद या फिर अतिमा के लिए। क्वेश्चन नंबर चार में आप सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर। अंश जी बताइएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था, तो वह काव्य है कौन सा, चिदम्बरा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चिदम्बरा आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा लवली जी, क्वेश्चन नंबर MS वर्मा जी 5 दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेमलता जी, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना है, तो ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, नंद दुलारे वाजपेयी आपका विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। किस विद्वान को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है बताइएगा। और आप सभी के लिए हिंदी साथ में टॉप 3000 प्रश्न की PDF लेकर आए हैं, 199 रुपए की मात्र ये 3000 प्रश्न की PDF है, जिनके लिए भी चाहिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399555966 विशाल जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, किस विद्वान ने पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है,
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मुक्ति बोध। क्या है सही आंसर? मुक्ति बोध आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था? लोकायतन, खादी के फूल, रजत शिखर या फिर बापी? क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हजारी लाल जी, विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला जो है वह आपका सही आंसर है, खादी के फूल। क्या है सही आंसर? सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो खादी के फूल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका आठवां क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1960 में, 1961 में, 1966 में, 1968 में? क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर बताना है, बताइएगा, सही आंसर चयन करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 8 में, विकल्प नंबर आप सभी का क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1968 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, 1968 नहीं होगा, 1960 होगा, विकल्प नंबर ए होगा आप सभी का सही आंसर। साहित्य अकादमी पूछा है तो ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तनु जी बहुत बढ़िया, 1960 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से बताना है 1960 में या फिर 1961 में, 1966 में या फिर 1968 में? बिल्कुल चंद्रमान जी, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है और 9 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर 1961, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पंत की किस रचना में प्रगतिवाद का अंत एवं प्रयोगवाद का उदय मिलता है? बताइए अर्चना जी, चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? पंत की किस रचना में प्रगतिवाद का अंत और प्रयोगवाद का उदय मिलता है, ये आप सभी के लिए चयन करना है, युगांत, युगवाणी, युगांतर या फिर युगपथ? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, युगांत होगा सही आंसर, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है, पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? वह रचना आप सभी के लिए बताना है, कौन सी वह रचना है बताइएगा, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है? क्वेश्चन सही आंसर, सही आंसर बताना है 11 में, क्या होगा सही आंसर? पंत की किस रचना में प्रगतिवाद का अंत और प्रयोगवाद का उदय मिलता है? तो पल्लव में मिलता है, किस में मिलता है? पल्लव, विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 11 में, विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन कब हुआ है, ये चयन करना है बताइए, 1923, 1926, 1929, 1922? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में, पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन कब हुआ है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1926 में, 1926 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12, पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन कब हुआ है? तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 26, आप सभी का यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है कि पंत द्वारा रचित कहानी बताना है इंद्रजाल है, आंधी है, विपतका है, पानवाला है, बताइएगा, चयन करिएगा तनु जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का कमला जी सही आंसर यहां पर होगा, रीता जी विकल्प नंबर डी सही आंसर है, यानी कि पानवाला आप सभी का सही आंसर होगा। पान वाला आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पान वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पान वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस आलोचक ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना है, बताइए कौन है भाई? तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है, 14 में चयन करना है, 14 का सही आंसर क्या होगा? किस आलोचक ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना है? तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है 14 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया निधि जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर बच्चन सेन ने सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? युगांत को, युगवाणी को, या फिर युगांतर को, युगपथ को, बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 में चयन करना है, डॉक्टर बच्चन सेन ने सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एक वाणी आप सभी का बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? हंस है, मर्यादा है, जागरण है, माधुरी है, इनमें से आपके लिए 16 में चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है? इन चारों विकल्पों में से ही बताना है कौन सा पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है, इनमें से आपको चयन करना है। आज का जो है चैलेंज प्रश्न होगा ये क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या होगा इसका सही आंसर कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और अगर अभी आप भी एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं चयन परीक्षा की और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर मात्र 350 रुपये के आपके घर पर पहुंच जाएंगे, वर्ग 1 के लिए मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 93 99 55 39 66, ये नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर लें जिनके लिए भी मॉडल पेपर चाहिए हो। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, 4 बजे अपनी एक क्लास होती है सोनिका जी, वहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए सभी के लिए करवाए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पंत की किस रचना में प्रगतिवाद का अंत एवं प्रयोगवाद का उदय मिलता है? तो यहां पर क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर बताइए तो आप सभी का यहां पर सही आंसर यहां पर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है।
इसके अंदर का जो सिलेबस है वह चंद्रमान जी मॉडल पेपर में इकाई एक से इकाई 20 तक का जो है सभी जो है उसमें आपका जो भी सिलेबस है इकाई एक से इकाई 20 तक के सभी जो है आपका वहाँ पर सिलेबस दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सभी क्वेश्चन उसमें होंगे। तो बिल्कुल सही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।